अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंडी जिला पूरी तरह योग में नजर आया। इस मौके जहां सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सरकार गार्ड में बही विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में भाग लिया। 21 जून पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंडी जिला पूरी तरह योग में नजर आया। इस मौके पर जहां सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सरकार घाट में वहीं विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा जिला प्रशासन ने आयुर्वेद विभाग के सहयोग से मंडी के सेरी मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत में बीते कल बंजार में हुए दुखद बस हादसे के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी मंडी वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश के पास ऐसा सशक्त नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के रूप में हमारे पास है, जिन्होंने योग के माध्यम से पूरे दुनिया को जोड़ने का प्रयास किया है। और आज ये योग भारत में नहीं पूरे विश्व में आज 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य पर मैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की ओर से भी सभी मंडी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुल्लू जिला के बंजार में पिछले कल जो बहुत दुखद घटना हुई है, एक दुर्घटना हुई है, बस का एक निजी बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बहुत लोग जो हैं उसमें मारे गए हैं। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और ये बड़ी दुखद घटना है। आज यहाँ पर योग दिवस के उपलक्ष्य पर भी हम लोगों ने यहाँ पर मौन रखकर उन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आज यहाँ पर प्रार्थना की।